अस्सलाम वालेकुम तल्लाह वरकातुहू। तमाम दोस्तों का अस्सलाम वालेकुम, सबके लिए मैं दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त शेख रशा खादिर, दोस्त आपकी खिदमत में जबान बंद का 18वां अमल लेकर हाजिर हूँ। जहाँ दोस्तों माशाल्लाह जबान बंद के बहुत सारे अमल हमने बताए हैं, माशाल्लाह एक से बढ़कर एक बेहतरीन अमल, तो आप अगर इसको देखना चाहते हैं तो और अमल भी माशाल्लाह लॉक वाला अमल तो उसमें बेहतरीन है, सबका पसंदीदा है। उसमें हमने दो अमल बताए हैं लॉक के, इंशाल्लाह तो आप चाहे देखना तो डिस्क्रिप्शन पर नीचे लिंक दी गई है, जाके सारे अमल भी माशाल्लाह देख सकते हैं। लेकिन आज का माशाल्लाह खुसूसी अमल जबान बंद का 18वां अमल है आपकी खिदमत में, सूरह 3 कुरान शरीफ की आयत, सूरह 3 का बेहतरीन अमल है दोस्तों, आपको आपकी खिदमत बताएंगे। ऐसे शख्स की जबान बंद का ना है माशाल्लाह जो आपके खिलाफ बोलता है, चाहे वो आपका दुश्मन है या जो आपका बॉस है या कोई भी ऐसा शख्स हो, या आपकी बीवी हो या आपका शोहर, आपके खिलाफ बद कलामी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, बुराई करते हैं, गीबत करते हैं, कोई दुश्मन कोई दोस्त पड़ोस है कि हद से ज्यादा करते हैं कि आपकी इज्जत जा रही है और माशरे में आपकी इज्जत जा रही है, बार बार लोगों के सामने जो है ना आपकी बुराइयां बदगोई करते हैं, ना हक आपके को तंग करते हैं, तो अगर आप उनको पहले समझाइए, मोहब्बत से बात कीजिए, 1 से 2 3 मरतबा आप उनको समझाएं कि ऐसा ना करें, हरगिज ना करें, यह गलत है, गीबत करना बहुत बड़ा गुनाह है, सारी बातें समझाएं। अगर फिर भी नऊज बिल्ला अगर वो बंदा या बंदी नहीं मानते हैं तो आप ये अमल जायज मकसद के लिए कर सकते हैं, नाजायज के लिए किसी भी मासूम शख्स को, मासूम नमाजी परहेजगार किसी अल्लाह के नेक बंदे बंदी को तंग परेशान ना, ये अमल का असर आप पर ही उल्टा होगा। जैसा कि मैंने हमेशा हर वीडियो में आपको समझाता हूँ, बताता हूँ कि जायज मकसद के लिए करें। सूरह 3 का अमल है दोस्तों, आपको सूरह 3 को बरोजे हफ्ता या मंगल करना है, किसके लिए करना है तो मैंने बता दिया, ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, लंबी लंबी वीडियो हो जाती है, बताने की कोशिश ये करता हूँ दोस्तों कि अमल का कोई भी सवाल आपके दिल में ना रहे। माशाल्लाह अगर आप वीडियो 1 से 2 मरतबा देखें, सारी बातें सारा कुछ आपको समझ में, कुछ जो शख्स नए सब्सक्राइबर है माशाल्लाह उनको तो सारे दिन औकात नश वगैरह सब याद हो गए माशाल्लाह, तो आमिल भी बन गए बहुत सारे लोग। जो नए सब्सक्राइबर है पहली बार देखते हैं, अगर वो माशाल्लाह देखें तो सारी बातें समझ में आए, तो वो वीडियो में हर वो वीडियो में हर वो अमल की सारी डिटेल हो, इंशाल्लाह यही मेरी कोशिश होती है। तो मेरे नए सब्सक्राइबर, नया लोग अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हर वीडियो में आपको सारी जानकारी सारी डिटेल आपको होगी, इस अमल की भी हम सारी डिटेल आपको बताएंगे। जबान बंद का अमल आप बरोज हफ्ता या मंगल को आप कर सकते हैं, दोपहर के 11 से 12 के दरमियान आपको करना है, अगर आप मंगल करें तो भी बेहतर है, सैटरडे यानी हफ्ते के दिन करें तो भी बेहतर है, 11 से 12 के दरमियान आप इस अमल को करना है। नश बनाना है इसी वक्त आपको बैठकर बनाना है, ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें, नश आपको सूरह 3 का माशाल्लाह आपको आगे नश बताऊंगा, उसकी चाल भी मैं आपको बताऊंगा। 51 मरतबा सूरह 3 को बिना दुरूद और बिना बिस्मिल्लाह के आपको पढ़ना है, पढ़ के नीचे दुश्मन का नाम उनकी माँ का नाम लिखना है। आप इसको नश को क्या करेंगे दोस्तों, ना ही किसी वजन के नीचे रखें, ना ही झाड़ में बांधे या पानी में बहाए, इस तरह का नहीं है, लेकिन एक मछली ले लें, एक मछली लें छोटी सी, मछली के मुंह में इस नश को बांध कर तावीज की शक्ल देकर, स्क्रीन पर बता रहा हूँ, इस तरह छोटी सी तावीज बनाए, इसकी शक्ल देकर इसके मुंह में रख दें, मछली के मुंह में रखकर, याद रखिए सूरह 3 के नश के नीचे नाम आना चाहिए, फलाने की जबान फलाने के खिलाफ, दुश्मन ज्यादा हो सबकी जबानें बंद करना हो तो सारों के नाम भी लिख सकते हैं, अब 7 लोगों से ज्यादा ना लिखें, लेकिन कम से कम 7 लोगों के लिए कर सकते हैं, अगर लोग ज्यादा है तो मैं चाहूंगा हर एक के लिए अलग अलग करें, कोई मसला नहीं, तो एक के लिए एक बार करेंगे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से काम करेगा। आप 3 दिन आपको पढ़ना है दोस्तों, मंगल, चारशुम्बा, जुमेरात यानी ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, या नहीं आप एक ही दिन पढ़ना चाहते हैं तो इतादात को 3 मरतबा पढ़ लीजिएगा, 150 मरतबा पढ़े या 151 टाइम पढ़े या तो 170 टाइम पढ़े, लेकिन अगर आप 3 दिन चाहें तो 3 दिन कर सकते हैं, एक ही टाइम अगर आप पढ़ना चाहें तो 171 टाइम या इस तरह से आप पढ़िएगा। पढ़ने के बाद नश मछली के मुंह में रखने के बाद मछली के मुंह को अगर आप तागे से भी बांध सकते हैं या सुई से सी भी सकते हैं, अगर आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते तो सिर्फ मुंह के अंदर तावीज को रख दे, रखने के बाद पुरानी खबर देखकर सावे खबर, खबर के टूटी फूटी खबर होती है, खबर के अंदर दफना दे, अगर आप खबर में नहीं दफना सकते हैं तो गड़ा खोद कर जमीन में भी कहीं भी दफन कर सकते हैं, खबरस्तान में ही करना होगा, ये पहला तो शर्त ही है दोस्तों, खबर में करने से ही माशाल्लाह इसका काम होता है। बहुत सारे भाई बहन ऐसे मजबूर होते हैं कि खबरस्तान नहीं होता, जा नहीं सकते, डाल नहीं सकते, तो इनके लिए दोस्तों कोई वीराना या अंधा कुआं जो पुरानी बॉडी सूखी बॉडी होती है उसमें डाल दें तो भी इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा, या नहीं तो दुश्मन के घर में ही जमीन में खोद कर दफना दे या उसकी रास्ते में दफना दे, ये कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन पहला जो मकसद है, पहला जो तरीका है पुरानी खबर में डालने का, ये करेंगे हैरत अंगेज तौर पर दुश्मन की जबान आपके खिलाफ बंद हो जाएगी, वो आपके खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकेगा, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, अगर वो वाकई आपके साथ बदकलामी करता है। तो याद रखिये दोस्तों, जायज के लिए कीजिए, नाजायज के लिए ना करें, नश आगे आपको मैं बता रहा हूँ। तो सूरह 3 तो आपको पता, कुरान शरीफ की आयत मैंने आपको बता भी दी है, जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अस्सलाम वालेकुम तल्लाही व बरकात। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सूरह 3 का माशाल्लाह ये नक्श है, जलाली नक्श है दोस्तों, बहुत अच्छे से काम करता है जबान बंद करने के लिए, तो माशाल्लाह इस नक्श को आप बना लीजिएगा, 16 खानों का नक्श है, इसकी चाल में बता रहा हूँ, याद रखिए ऊपर बिस्मिल्लाह नहीं आएगी, जो 786 हम लिखते हैं इस नक्श में नहीं आएगा, इसकी चाल में आदात में अगर बढ़ती घटती होती है तो मैं हमेशा कहता हूँ इसमें एक आदात होते हैं, इसके जो
आयतें होते हैं, कसर होती है, इसके खानून होते हैं, इस तरह से न चाल इसके हिसाब से आदात को नश में पुर किया जाता है। तो आप परेशान ना होइए, फिक्र मत करिए, ऐसा कोई गलत नहीं है, मैंने चेक कर कर ही आपको हमेशा बताता हूँ। जो हजरात ज़हमत करते हैं बताने की उनके लिए, तो सूरह तीन कोई कान मरता हुआ पढ़ना है, अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहें तो 171 पढ़ सकते हैं, मछली की उम्र कर पानी खबर में डालें। दोस्तों जरूरी बात है, ये नश है, आपके एग्जाम का स्क्रीनशॉट निकालेंगे, इसका जो एग्जाम्पल चाल मिसाल नश मैं आपको आगे बाजू बता रहा हूँ, ये देख लें। जो हजरात नहीं जानते, जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो नए लोग पहली बार देख रहे हैं, ये जो बाजू का आपको नश नजर आ रहा है, ये मिसाली नश फॉर एग्जाम्पल। करना क्या है, इसमें से कौन सा बनाए, बहुत सारे भाई फोन करते हैं भाई बनाना कौन सा, इंग्लिश वाला या अरबी वाला। तो मेरे भाई बहन समझ लीजिए, ये जो हमेशा मैं बताता हूँ, ये नश जो बाजू होता है, ये नश जो है फॉर एग्जाम्पल है, आपको समझने के लिए मैं नश किस तरह बनाया जाए, ये नश किस तरह बनाया जाए समझने के लिए बताता हूँ। तो यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ 1 2 3 4 5, ये नंबर जो है, तो ये नंबर को देखकर, 1 को देखकर यहाँ पर, यानी पहला बॉक्स है, समझ लेना कि ये पहला बॉक्स में हमें ये नश, ये आदत लिखना है, अरबी लिखना है, अरबी नश को ही लिखना है। इस तरह बॉक्स बनाने के बाद तो पहले खाने में 1 जहाँ है वहां से शुरू करना है, पहला बॉक्स हम फिल करेंगे, उसके 2 पे दूसरा बॉक्स फिल करेंगे, 3 पे तीसरा बॉक्स फिल करेंगे, इस तरह से नंबर को फॉलो, ये नंबर को फॉलो करके आप नश बनाएंगे। जो बनाने के बाद सारे नंबर को फिल, नंबर को फॉलो करते हुए ये लिखते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपका नश बन जाएगा, आप फौरी नश नंबर को फॉलो करके फिल करेंगे, नश पूर करेंगे, तो नश में जो है ना, अगर उस हिसाब से करेंगे तो उसमें तासीर आ जाएगी, नश माशाल्लाह काम करेगा। तो समझ गए दोस्तों, के बाद क्या करना है, मछली कुएं में रखकर आपको खबर में डालना है। उम्मीद करता हूँ तरीका समझ में आएगा, लेकिन बाद अमल जैसे आपका होता है, जिस खबर में आप डालते हैं, अगर आप खबर में डालते हैं, तो उनके लिए जरूरी बात कहना चाह रहा था, तो उस खबर वालों के लिए फातिहा खानी एहसाले से आप जरूर करें, और अगर डालते ही उसके बाद करें या डालने से पहले करें, आप पहले खबर देख लें, मसला नहीं, फातिहा खानी जरूर करें। फातिहा का तरीका मैं आपको बताता हूं दोस्तों, किस तरह आप फातिहा दिलानी है। दुरूद शरीफ 3 बार, सूर्य फातिहा 3 बार, सूर्य इखलास 3 बार, बिस्मिल्लाह के साथ दुरूद शरीफ 3 बार पढ़ के, कम से कम ये पढ़ना है फातिहा में। ज्यादा से ज्यादा आप यासीन कुछ भी पढ़कर इनके हिसाब से आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जो जो आप कुरान के आते हैं सूरे आते हैं पढ़ सकते हैं। साहिब खबर के लिए, जिस खबर में आप डालते हैं, उनके लिए साले सवाब करना जरूरी है, उसके बाद इंशाल्लाह फौरी अमल आपका काम करेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो का सारा तरीका समझ में आ गया, जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।